क्लियर आ चुके हैं एक और नहीं उड़क साथ वापस। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले गाइज आप क्लोज रेंज फाइट में मतलब आप कैसे मतलब सामने वाले बंदे को एकदम इजीली भर सकते हो यार, तो एकदम इजीली ठीक है। तो गाइज वीडियो को पूरा देखो, आपको सारा कुछ बताऊंगा आप मतलब कैसे भर सकते हो ठीक है। तो बहुत सारे लोग मतलब जिगल करते हैं ठीक है, तो जिगलिंग तो यार हर कोई करता है, तो गाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है यार, तभी मतलब आप उसे मतलब भर पाओगे ठीक है इजीली। तो जैसे यहाँ पर देखो मैं कैसे यहाँ पर करता हूँ ठीक है, जैसे ये बोर्ड है ठीक है, तो बोर्ड यहाँ पर जैसे ये राइट की ओर जा रहा है तो आपको मतलब लेफ्ट की ओर मूवमेंट करके फायर करना ठीक है, मतलब राइट और राइट मूवमेंट मत करना, अब अलग करना मतलब अपोजिट करना ठीक है। जैसे यहाँ देखो देख सकते हो यहाँ पर मैं कैसे मतलब फाइट कर रहा हूँ ठीक है, मतलब ये जो बोर्ड जा रहा है मतलब ये राइट जा रहा है तो मैं लेफ्ट होकर फायर कर रहा हूँ ठीक है। तो आपको भी ये मतलब अपोजिट मूवमेंट करना है ठीक है, कोई लेफ्ट जा रहा है तो आपको मतलब राइट की ओर मूवमेंट करना, कोई राइट जा रहा है तो आपको लेफ्ट की ओर मूवमेंट करके फायर करना ठीक है। तो ये चीज़ आपको मतलब ध्यान रखना, यही मतलब आपको क्लोज रेंज फाइट में मतलब आपको मतलब आप भर सकते हो इजीली एनिमी को ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना गाइस। अब देखो यहाँ पर वीडियो में जैसे कर रहा हूँ आपको सिंपली ऐसे मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग कर लेना, तो आप रोज़ 30 मिनट करो यार, काफ़ी आपके लिए मतलब 30 मिनट आप मतलब प्रो बन जाओगे यार मतलब ये प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं मतलब नेक्स्ट ट्रिप्स ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिप्स गाइज आपको मतलब एक ही स्प्रे में सारा मतलब लेफ्ट और स्प्रे करो ठीक है, और सारा बोर्ड गिरा दो, ये मतलब एक साइड मतलब जाओ मतलब जिधर भी जाओ लेफ्ट राइट दोनों साइड आपको कर लेना ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप गाइज हमारा जो है क्रॉस एयर ठीक है। क्रॉस एयर का मतलब आपको मतलब फॉर्मूला जानना, जैसे मतलब क्रॉस एयर मतलब जैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना, तो गाइज आपको क्रॉस एयर को अपने हेड पे ही रखना ठीक है। बहुत सारे मतलब एनिमी जो करते हैं क्या मतलब कोई मतलब वेस्ट पे मारते हैं, कोई मतलब पैर पे मारते, ये नहीं करना गाइज आपको हेड पे ही मतलब आपको जो क्रॉस एयर लगाना ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आप गिराओ सारे बोर्ड को। अब गाइज मैंने यहाँ पर मतलब ब्रश करके सारे बोर्ड्स को गिराया, अब आपको एक ही स्प्रे में सारा बोर्ड गिराना ठीक है। चलो तो गाइज आप मतलब खड़े होके आप क्राउच होके आप जैसे गिरा सकते हो आप मतलब गिराओ सारे बोर्ड्स को ठीक है। इससे मतलब जो आपका मतलब मूवमेंट जो है ना गाइज मतलब हेड पे मतलब क्रॉस एयर जाने का मतलब बहुत ही मतलब आपका इंप्रूव हो जाएगा ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जिगलिंग ठीक है। तो गाइज जिगलिंग करो तो यार गाइज मतलब आगे की ओर जाकर जिगलिंग मत करो, जैसे यहाँ देख सकते हो आप मतलब देखो मैं आगे की ओर जा रहा हूँ तो जिगलिंग तो मतलब क्या ही गंदा मतलब जिगलिंग हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना आपको, आपको मतलब पीछे की ओर आना ठीक है। तो आप पीछे आओगे ना तो आपका जिगलिंग का जो मूवमेंट है ना गाइस वो बहुत ही मतलब फास्ट होता है हमारा ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो कितना फास्ट मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा मैं जिगल कर रहा हूँ, बट ये जिगल हो रहा है, मतलब आप पीछे होकर जिगल करोगे ना तो बहुत ही मतलब फास्ट होता है ठीक है। तो गाइस आप आगे होकर जिगल करोगे तो देखो मतलब क्या ही गंदा, तो मतलब हमारा काम ही नहीं कर रहा यार जियोस्टिक, मतलब एक साइड भागा जा रहा हूँ। तो बहुत सारे बंदे के साथ ऐसा होता है, आपका साथ भी होता होगा, तो आपको जिगल ऐसे करना जियोस्टिक देखो ये ठीक है, तो आपको ऐसे जिगल करना। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा गाइस बहुत ही गंदा मतलब इसको मतलब कैंप करते बहुत बंदा स्कोप खोल के, तो आपको भी सिंपली ये करना है। देखो यहाँ पर आप इसको पहले ही खोल के रखो ठीक है, कोई बंदा जैसे देखे आप फायर कर दो, मतलब ये रिएक्शन टाइम आपका बहुत ही जरूरी है। बहुत ही बंदे मतलब क्या करते हैं इसको ओपन ही रखते हैं और जैसे कोई मतलब पिक लेता है बस उसे भर देते हैं। तो गाइज आप भी ये करो ठीक है, ये बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है। आप कभी मतलब मैच खेलते होगा ना तो कभी ना कहीं आपको ये मतलब जरूर हेल्पफुल करता है ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा गाइज ये मतलब बहुत ही शानदार, ये जो मैं बताऊंगा ना गाइज आपको मतलब ये तो बहुत ही मतलब फ़ायदा होने वाला है। ये गाइज मतलब आपको मतलब प्रॉन ठीक है, तो प्रॉन बहुत बंदे मतलब बहुत लेट में करते, तो गाइज अब प्रॉन मतलब इतने फास्ट हो सकते हो देख सकते हो यहाँ पर ठीक है, मैं कितने जल्दी मतलब फायर कर रहा हूँ और मतलब खड़े भी हो जा रहा हूँ। तो गाइज ये जो है ट्रिक आपको मतलब क्या करना है, जैसे प्रॉन बटन हमारा मिलता है उसे और फायर बटन सॉरी गाइज जो हमारा प्रॉन बटन है उसे और मतलब जो हमारा गन है ठीक है, तो दोनों को एक साथ क्लिक करना ठीक है, पहले प्रॉन बटन को उसके बाद गन को मतलब एक साथ ठीक है, एक साथ क्लिक करो तभी आपका होगा। इससे फायदा क्या होता है गाइज, आप मगर मान लो कहीं पर आप घास में मतलब लेटे हुए ठीक है और सामने आपका बंदा भी कोई लेटा हुआ, तो आप मतलब फट से मतलब खड़े हो सकते हो, उसे भर सकते हो और इजीली फिर प्रॉन हो सकते हो। जैसे यहां पर आप देखो, जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं ठीक है, आपको यहां सिंपली ऐसे ही करना है, पहले प्रॉन बटन को क्लिक करना फिर गन को ठीक है, फिर फायर फिर प्रॉन, ये समझ गए गाइज आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपको प्रॉन को पहले क्लिक करना है यहां पर ठीक है, प्रॉन फिर गन को पकड़ना है, उसके बाद फायर करना, फिर मतलब यहाँ प्रॉन होकर गन को पकड़ लेना ठीक है। तो इससे मतलब बहुत ही हमारा मतलब जो रिएक्शन टाइम हमारा होता है जो बहुत ही मतलब फास्ट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज मतलब कितने फास्ट में खड़ा हो रहा हूँ, प्रॉन भी हो रहा हूँ ठीक है। तो ये करना, तो यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना यार, और यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।